संड अमरक नाम के गुरु पुत्र शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक वो पढ़ा रहे हैं प्रहलाद को। लेकिन ये कर्तापन के अभिमान को मिटाने की शिक्षा दे रहे हैं नारद। भोक्ता कौन है जो करता है, तो कर्तापन के अभिमान के नाश की शिक्षा भगवान कहां है ये दे रहे हैं नारद, और संड अमरक दे रहे हैं अभिमान की शिक्षा। गुरुपुत्रों ने पढ़ाना आरंभ किया, लेकिन जब प्रहलाद को देखता था हिरण्यकश्यप तो आह्लाद होता था, आह्लाद। और यह समाचार गुरु को दिया था कि मुझे पुत्र को देखकर आह्लाद होता है, आनंद होता है, तो गुरु ने उसका नाम प्रहलाद रख दिया। प्रहलाद यानी आह्लाद, जिसे सुनकर देखकर आह्लाद हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप क्या क्या सिखा रहे हैं हमारे बेटे को, तो उन्होंने कहा अस्त्र शस्त्र सिखा रहे हैं हम, कैसे आधिपत्य किया जाए, पूरी धरती पर शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए, भूमि का विस्तार कैसे किया जाए, किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, युद्ध में कैसे पराजित किया जाए शत्रुओं को, शत्रु नाश के प्रयोग सिखा रहे हैं हम, सिखा रहे हैं शत्रु का नाश कैसे किया जाए, कोई शत्रु रह ना जाए, अपने से तनिक भी कोई बड़ा हो तो उसे मिटा दिया जाए, अपने से अधिक किसी के पास शक्ति ऊर्जा हो, विभूति वैभव हो, कोई विचित्रता विलक्षणता हो, अपने से अधिक कोई और ऊंचा उठ रहा हो तो उसको कैसे दबाया जाए, उसे कैसे मिटाया जाए, अपने आसपास आने वाली चीज को कैसे हटाया जाए। तो पूछा हिरण्यकश्यप ने कि ये कौन सी विद्या है, बोले इसका नाम है राजनीति। बालक को राजनीति सिखा रहे, जैसे अपने बराबर में कोई चीज आए उसे कैसे किनारे किया जाए, तो कैसी उठती हुई चीज को दबाया जाए, हटाया जाए, उसका नाश किया जाए। उठती हुई चीज अचानक आपके साथ आ गई, आपके बराबर आ गई और किसी दिन आपसे ऊपर उठ गई तो आपका यश नहीं रहेगा, आपके प्रति आदर नहीं रहेगा, आपकी सत्ता को किसी ने चुनौती दे दी, अब आप में न्यूनता आ गई, लघुता आ गई और उसमें श्रेष्ठता आ गई। तो किसी भी प्रकार से किसी में कोई श्रेष्ठता आए, किसी भी प्रकार से किसी में कोई दिव्यता आए, किसी भी प्रकार से किसी में कोई ऊंचाई आए, तो उसको अपने पास तक न आने दिया जाए, उसे शत्रु माना जाए, वो शत्रु है। तो हम अपने शिष्य को यह सिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा वाह शाबाश, अच्छी बात सिखा रहे, आपके बेटे को हम यही सिखा रहे हैं, शत्रु का नाश कैसे किया जाए। और एक दिन प्रहलाद से पूछ लिया हिरण्यकश्यप ने कि बेटा तुम जो सीख रहे हो अपने गुरु से वो समझ आ रहा है ना, जो गुरु बता रहे हैं वो अच्छा लग रहा है ना, उन सारी विद्याओं में निष्णात और पारंगत हो रहे हैं, जो गुरु सिखा रहे हैं वो हृदयंगम हो रहा है ना, वो आपकी बुद्धि में मन में बैठ रहा है ना। और प्रहलाद ने कहा महाराज मुझे सब जो ये सिखा रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या सिखा रहे हैं। तो प्रहलाद ने कह दिया कि ये जो सिखा रहे हैं वो दुनियावी बातें, और मेरा जो गुरु सिखा रहा है आत्मगुरु जो मेरे मन में बैठा है, मैं तो उसकी बात मानूंगा, इन निशाचरों की बात नहीं मानूंगा। पिताजी को बहुत व्याकुलता जगी, उन्होंने कहा तू गुरु की बात नहीं मानेगा, बोले ये बताते हैं शत्रु का नाश करो, ये कहते हैं कि जो अपने बराबर में आता है उसके अस्तित्व को चुनौती दो, तो आपने क्या सीखा है। उन्होंने कहा मेरे आत्मगुरु ने जो मेरे मन बुद्धि चित्त चेतना में बैठा है, जो हर पल मेरे पास है मेरा गुरु, उसने जो मुझे सिखाया है वो मैं बताऊं। और प्रहलाद की बातें सुनकर चकित हुए हिरण्यकश्यप कह लेंगे हाँ बता वो कौन सा मंत्र है, वो कौन सा ज्ञान है, सुनिए हाथ जोड़कर बैठिए।
नारद क्या सिखा रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मेरे साथ बोलो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इति पुंसामर्पिता विष्णु भक्ति चेतन लक्षण क्रियते भगवति अद्या तन्मयेति धीतमुत्तमम्। स्मरणम कीर्तनम विष्णु, ये क्या सिखाते हैं मैं नहीं सुनता, मैं तो हाँ हाँ करता रहता हूं। मेरा गुरु मुझे सिखाता है अच्छी बातें सुनो, श्रवणम श्रुतियों को सुनो, कीर्तनम भगवान का नाम स्मरण कीजिए, उन्हीं को याद रखिए, दीन जनों की सेवा करो, जो व्यथित हैं चिंतित हैं दुखित हैं अभाव ग्रसित हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है कि वो हर जगह है, हर पल है, वो नित्य विद्यमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वोपरि सर्वोच्च है, वो प्राण में पवन में है, प्रकाश में आकाश में धरती में अंबर अग्नि जल वायु में अन्न में है, जो अन्न लिया जा रहा है उसमें अन्नाद विष्णु आपो वह ब्रह्म, वो जल में है आपो वह प्राणो वह ब्रह्म, जो प्राण लिए जा रहे हैं जो सांस लिए जा रही है वो कोई और नहीं, हम भगवान को ही ग्रहण कर रहे हैं। अन्नाद ब्रह्म, अन्न में भी वही है, अन्न वह विष्णु, अन्न में भी भगवान नारायण ही है, जल में भी वही है, जलचर जितने हैं वो उन्हीं का रूप है, थलचर जितने हैं वो उन्हीं की आकृतियां हैं, नभचर जितने हैं वो उनसे विलग नहीं है, और वही एक सर्वत्र सभी रूपों में है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जितने रूप हैं यहां वो उसी एक नारायण के हैं, इसलिए नारायण सर्वत्र है, वो सर्वत्र है, और उसी को स्मरण करें, उसी का भजन अर्चन वंदन करें, ऐसा ही मानकर दूसरों के साथ व्यवहार करें। अन्य कोई और नहीं, अपने जैसा ही है, अन्य में कोई और नहीं, वही एक समाया है, इसलिए उनके सुख सम्मान की चिंता करें, अपने सुख के लिए नहीं सबके सुख के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल अपने सुख के लिए नहीं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, केवल अपने सुख के लिए नहीं, लोकाः, अगर लोक में लोग दुखी हैं तो आप अकेले सुखी कैसे रह सकते हैं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, दूसरों को कैसे माने, आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें जैसे अपने साथ किया जाता है। तो जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें, आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो हमको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के न करें। कोई हमारे माता पिता के लिए ऐसा कहे तो हमें कैसा लगेगा, कोई हमारे गुरु मंत्र संप्रदाय के लिए ऐसा कहे तो हमें कैसा लगेगा, कोई हमारी बहू बेटियों के लिए, मेरी पुत्री के लिए, मेरी भगनी के लिए कोई ऐसी दृष्टि रखे तो मुझे कैसा लगेगा, कोई मेरी पुत्री के लिए ऐसा देखे ऐसा सोचे ऐसा बोले, मेरी पुत्री के प्रति ऐसा कोई व्यवहार करे जैसा मैं कर रहा हूं तो मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए अन्य के साथ, मैं अपनी पुत्री के प्रति कैसा व्यवहार चाहता हूं, अपनी बहन के प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वैसा मैं अन्य के साथ करूं। आत्मना प्रतिकूलानि, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो तीन चीजें वैसी करें, वैसा बोलें वैसा सोचें और वैसा करें, मनसा
वाचा कर्मणा आत्मना प्रतिकूला, तो कैसा व्यवहार करें? आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसे ही दूसरों के लिए करूं। मैंने तो यह सीखा है।